I just want to say he's one of the most amazing people I've worked with, not just as an actor or performer, but also as a person, as a human being. And he's touched my life in more ways than one. I've learned so much about acting, performance, professionalism, discipline. So I'm really, really fond of him. And I would like to say that happy birthday. And I hope God always showers all the success and happiness on you because you deserve it. स्पेशल गिफ्ट तो कोई खास देंगे नहीं, उनके पास सारा कुछ है भगवान की दया से, लेकिन उनको बहुत सारी शुभकामना देना चाहेंगे और बहुत सारा ढेर सारा प्यार देना चाहेंगे। रौनित मेरे रिश्तेदार भी है एक्चुअली, दोस्त भी है, मेरे ब्रदर इन लॉ रोहित के बड़े भाई है, तो बहुत ही केयरिंग इंसान है एंड ही इज आई गेट अलोंग वेरी वेल विद हिम एंड वी हैव अ लवली रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑफ अस। थैंक यू। This is like a press con. हाँ जी। सच में मुझे तो बोला गया तो 30th बर्थडे। रौनित को क्या शुभकामनाएं कोई भी दे सकता है। रौनित के पास बहुत सुंदर बीवी है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत माइंड ब्लोइंग करियर है, बहुत लायकमंद बहन है और भगवान इससे ज्यादा नहीं दे सकता। अब बस आई वुड से पर्सनली मेरी जिंदगी में एक्चुअली रौनित की अहमियत है क्योंकि मैं उन्हें दादा बुलाती हूँ विच इज ओल्डर ब्रदर और कुछ बहुत स्पेशल इंसिडेंट्स रहे हैं जिनकी वजह से रौनित हमेशा मेरी यादों में बहुत ज्यादा यादगार इंसान रहेंगे। क्या गिफ्ट लेके आए हैं? आई थिंक दुआओं से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं होता और रौनित के पास ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है तो किसी चीज की जरूरत नहीं है उनको अलावा सिर्फ शुभकामनाओं और दुआओं के और वो हमारे पास भरपूर है इसलिए दे देंगे। थैंक यू। फोटो पाले फोन खास नहीं।
सर सर एक फोटो पूनम जी पूनम जी आपके राइट में हमारे बहुत ही प्यारे रौनित को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद हम दोनों की तरफ से। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरा और रौनित राय का क्या रिश्ता है। रौनित राय मेरे बेटे की तरह हैं और उनके जो पिता थे वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। जब रौनित राय छोटा था, बहुत बच्चा था, तब से मैं उसे जानता हूँ। उसकी प्रगति देखकर और उसका टैलेंट देखकर आज मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। और साथ में उसने जिस तरह से अपनी इंटेग्रिटी और अपना कैरेक्टर मेंटेन रखा है, उससे और भी ज़्यादा मुझे घमंड है। मैं उसके लिए बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ। पहले वो बच्चा था आपकी तरह, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर बड़ा बच्चा हुआ, फिर जवान हुआ, अभी मैच्योर हो गए हैं, अभी पिता है और अच्छा पुत्र है। लेकिन उसने सभी रिश्ते जो हैं अपने बड़े अच्छे तरीके से निभाए हैं। बचपन भी अच्छे तरीके से निभाया है और काफी स्ट्रगल भी किए उसने, लेकिन हर स्थिति में, चाहे वो सफल रहा हो या असफल रहा हो, उसकी जो मानसिक स्थिति थी, जो सोचने का तरीका था, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहा। मैं आज बहुत उसके ऊपर प्राउड फील कर रहा हूँ एंड आई विश हिम द बेस्ट ऑफ लाइफ अहेड। थैंक यू। Thank you.